आपके भी जीमेल अकाउंट या फिर गूगल अकाउंट में सिंक की प्रॉब्लम है तो उसको आज हम सूट आउट करने वाले हैं। इसके कई रीजन हो सकते हैं। पहला, अगर आपके फोन में बैटरी सेवर ऑन है तो ऐसे में बैकग्राउंड में जितने भी सिंक की सर्विस होती है वो पूरी तरह से रुक जाती है। अब ऐसे में आपके गूगल की सिंक सर्विस बंद हो जाएगी, जीमेल की सिंक सर्विस बंद हो जाएगी, गूगल कॉन्टेक्ट, गूगल फोटोज, मतलब कहने के जितनी भी फोन से सिंक रिलेटेड सर्विस होती है वो पूरी तरह से रुक जाती है। इसलिए अगर आप चाह रहे हैं कि आपके फोन के बराबर सिंक्रोनाइजेशन होते रहे अलग अलग एप्स में, स्पेशली गूगल के साथ, तो ऐसे में आपको बैटरी सेवर को ऑफ करके रखना होगा, तब जाकर आप सिंक सर्विस का इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरा रीजन, अगर आपने मोबाइल पे डेटा सेवर को इनेबल किया हुआ है तब भी आपके फोन का डेटा सिंक नहीं होगा। कहने के मीन्स फ्रेंड्स, अगर आपने जैसे ही डेटा सेवर को इनेबल कर दिया तो बैकग्राउंड में जितने भी सिंक्रोनाइज की सर्विस होती है और अदर भी जो सर्विस होती है वो पूरी तरह से रुक जाती है। यहाँ पर अगर आप बैटरी सेवर को बंद भी कर देते हैं, अगर आपने डेटा सेवर को इनेबल किया हुआ है तब भी आपकी सिंक्रोनाइजेशन सर्विस रुकी रहेगी। तीसरा रीजन ये हो सकता है फ्रेंड्स, की अगर आपने फोन सेटिंग के अंदर अकाउंट्स के अंदर जाकर यहाँ पर जीमेल आईडी से अगर आपने मैन्युअली सिंक सर्विस को बंद कर दिया है, जो भी मतलब सिंक सर्विस को आप चूज करके आप चाहते हैं कि इसे बंद कर दे, अगर उसे आपने बंद कर दिया है तब भी आपका डेटा सिंक नहीं होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आना होगा और इसको इनेबल करना होगा। जैसा कि आप साइड स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो उसको इनेबल कर दीजिएगा, जो जो सर्विस आपको इनेबल करनी होगी। मेरी राय रहेगी कि आप सभी तरह की सर्विस को हमेशा इनेबल करके रखें, जिससे आपके फोन के डेटा बैकअप क्लाउड पर हमेशा सिंक्रोनाइजेशन के साथ रहे। चौथा रीजन हो सकता है फ्रेंड्स कि अगर आपने गूगल प्ले स्टोर से अपने फोन के एप्स को अपडेट नहीं किया है तब भी आपकी सिंक्रोनाइजेशन सर्विस प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। इसलिए गूगल प्ले स्टोर से सभी एप्स को समय समय पर अपडेट करते रहिए, साथ साथ अपने फोन को भी अपडेट करते रहिए। कहने का मतलब इसके अपने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपडेट करते रहिए। अपडेट करने से होगा क्या फ्रेंड्स कि जो नए फीचर्स आए हुए वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ साथ ऐप में या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई लूप होल होगा तो उसका भी सूट आउट आपको हमेशा मिलता रहेगा। पांचवा रीजन है फ्रेंड्स कि आपके फोन का और गूगल के बीच कम्युनिकेशन प्रॉपर ना हो पा रहा होगा, इस वजह से भी आपका सिंक सर्विस प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। इसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स कि आपको अपने जीमेल ऐप्स को एक बार लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करना होगा, इसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम सूट आउट हो जाएगी। छठा रीजन हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके एरिया में प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा हो, रुक रुक के आ रहा हो या प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो, हाई स्पीड नेट कनेक्शन नहीं मिल रहा, इस वजह से भी आपकी सिंक्रोनाइजेशन सर्विस प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, जिस वजह से आपको डेटा बैकअप देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि इंटरनेट सर्विस प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। तो साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि गूगल की तरफ से हमको केवल 15 GB का ही स्टोरेज मिलता है। ऐसे में अगर आपने 15 GB पूरी तरह से यूज कर लिया होगा तब भी आपकी सिंक सर्विस पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इसलिए एक बार गूगल के क्लाउड स्टोरेज को जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। अगर वो 15 GB फुल हो चुका है तो ऐसे में आप अपने पुराने मेल्स को, जीमेल से पुराने डेटा को और गूगल फोटोज से पुरानी फोटोज डिलीट करके कुछ स्पेस को फ्री कर लीजिएगा, तब आपकी सिंक सर्विस दोबारा से चालू हो जाएगी। अगर आपके जीमेल के इनबॉक्स पर मेल नहीं रिसीव हो रही है तो ऐसे में फ्रेंड्स आपको इस वीडियो को चेकआउट करना होगा। यहाँ पर मैंने सारी पॉसिबिलिटी रीजन बताए हुए हैं कि आपके जीमेल पर मेल्स क्यों नहीं रिसीव हो रहे हैं। तब तक के लिए अपडेट रहें, सुरक्षित रहें। अब आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो पर।